हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AVPS क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है और सीटेट की परीक्षा तिथि जल्द हो सकती है घोषित। तो जैसा कि CBSE के द्वारा कहा गया है, कुछ आप लोग को न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा कि CBSE आपके सीटेट के एग्ज़ाम नहीं करवाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और जो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सीटेट की परीक्षा कब होगी, परीक्षा तिथि कब घोषित होगी, या फिर हम लोग के एग्ज़ाम होंगे या फिर 2021 में होंगे, इस साल होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको सारा न्यूज़ यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन आप लोग इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो आप बोलते हो कि इन्फॉर्मेशन गलत है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या तो फिर हमारे नए व्यूअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हो वो आप तक सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए आज देख लेते हैं कि क्या है आज की न्यूज़। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीटेट 2020 एग्ज़ाम डेट CTET परीक्षा के लिए जल्द जारी हो सकता है डेट्स। तो सीटेट 2020 एग्ज़ाम डेट CTET परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या किसी अन्य केंद्रीय विद्यालय में भर्ती के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। मतलब कि जो सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार होते हैं वो किसी भी सेंट्रल कॉलेज, मतलब कि केंद्रीय विद्यालय, या तो फिर जो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है सरकारी, वो भी होता है, किसी भी केंद्रीय विद्यालय में वो भर्ती के लिए आवेदन करने के योग्य है, अगर आप सीटेट पास हैं तो। तो क्या है न्यूज़ आप लोगों को हम दिखा देते हैं। सीटेट 2020 एग्ज़ाम डेट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जल्द ही KVS, NVS, MISC स्कूलों में भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट आयोजित करेगा। सीटेट जुलाई 2020 की परीक्षा 5 जुलाई को आयोजित होने वाली थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। CBSE आधिकारिक वेबसाइट CTET.NIC.IN पर जल्द ही नई सीटेट एग्जाम डेट की घोषणा करेगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि CBSE आधिकारिक वेबसाइट CTET.NIC.IN पर जल्द ही नई सीटेट एग्जाम डेट की घोषणा करेगा। सितंबर महीने से कई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, इससे उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक परीक्षा की डेट जारी की जा सकती है। मतलब आपको देख रहे हैं कि सितंबर महीने में कई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो इससे उम्मीद यही आ रही है आप लोगों के लिए कि इस महीने के अंत तक आप लोग की परीक्षा की डेट जारी हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात है कि अभी कोई भी आधिकारिक रूप से किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर महीने में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए ये उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपकी परीक्षा डेट जारी की जा सकती है। CBSE सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए दो चरणों में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सीटेट पेपर फर्स्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 1 से लेकर 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, और सीटेट पेपर 2 कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सितंबर महीने में कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उसको देखते हुए आप लोगों की सितंबर लास्ट तक आपकी एग्जाम डेट आ सकती है। इसलिए आप लोग अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपकी एग्जाम डेट जब भी जारी हो, डेट लिस्ट उसको आपको हम बता दें इस चैनल के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत